ये पूरा का पूरा रैक है, सिर्फ वन यू रैक है, पूरे का पूरा रैक है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें ये जो आपको दिख रहा है इसे माउंट पॉइंट कहते हैं, इतना ही लगा है ना, तो माउंट पॉइंट पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरे जो बॉक्सेस हैं पूरे रैक में, मैंने चार राउटर्स यूज किए हैं और चार स्विचेस यूज किए हैं। जब भी आप कंपनी में जा रहे होगे ना तो क्या मिलेगा आपको, चार राउटर्स और चार स्विचेज, ऐसे मतलब ऐसे सेटअप मिलेगा आपका। एक रैक में इतने डिवाइस लगाते हैं। अब इस रैक में क्या देखो, पावर कोर्ड लगी हुई है, राउटर्स लगा हुआ है, ये 2811 सीरीज का राउटर है, इसमें केबल्स लगी हुई है, हर केबल जाके किसी न किसी राउटर में अटैच हुई है। ये जो केबल मैंने ब्लू कलर की यूज की हो ना, इसे एग्जैक्टली कहते हैं यूटीपी केबल। क्या बोलते हैं, यूटीपी केबल, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। पवन घूमते भी रहो तो बच्चों का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना, बच्चे भी आते रहे। सोचा होगा तो पहले मैंने प्लानिंग की है, क्या किया मैंने, पहले प्लानिंग की है कौन सी केबल कहाँ जाके लगेगी, क्लियर है मेरी बात। तो प्लानिंग के बाद मैंने केबल्स को लगाया है, क्लियर है इतना, ओके। ये तीन राउटर्स मेरे लो एंड के राउटर्स हैं, एक मेरा हाई एंड का राउटर्स है। अब मेरे नेटवर्क में चार स्विचेस हैं, कुछ स्विचेस मेरे पास देखो 48 पोर्ट्स के, 48 48 48, यानी कम कंपनी को मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्लियर है। इन पे क्या क्या पॉलिसी लगा रही है, उसको लगाने के लिए आई रिक्वायर्ड कंसोल केबल, आई रिक्वायर्ड कंसोल केबल, एक ग्रुप है दिख रहा है, कंसोल केबल का एक सिरा, एक सिरा मैं लगाता हूँ हमेशा राउटर्स को। ये कंसोल पोर्ट दिख रहा है आपको डिवाइस बॉक्स में, सब देख लो आराम से, दिख रहा है, मैंने इसे यहाँ लगाया। और ये वाला सिरा मैं क्या करूँगा, ये मैं लैपटॉप पे लगाऊँ, ये यूएसबी पोर्ट है, दिख रहा है सबको, ये मैं किस पे लगाऊंगा, नॉन यूएसबी। नाउ इसके अंदर रखे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जिसे कहते हैं पुट्टी, क्या बोलते हैं उसको, पुट्टी बोलते हैं, ठीक है ना, PUTTY, पुट्टी बोलते हैं उसको। अब क्या है, उसे हम एक्सेस करेंगे और देन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है, डिवाइस का, पहले मैं इसे माउंट पॉइंट पे लगाता हूँ, उसके बाद मैं प्लानिंग करता हूँ केबल कैसे जानी है, उसके बाद आई विल स्टार्ट माई कॉन्फ़िगरेशन। मैं कंसोल लेके एक एक डिवाइस को सेपरेट कॉन्फ़िगर, ठीक है। एक बार सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखो, पावर कार्ड वगैरह सब लगाया मैंने, सारे आके इस पावर कार्ड में लगते हैं, सिंगल पावर कार्ड पे, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। अब सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आई रिक्वायर्ड, देखो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आई रिक्वायर्ड फर्स्ट प्लानिंग, पहले मैं रैक को देखता हूँ कितने बॉक्स मुझे चाहिए, फर्स्ट प्लानिंग, देन आई रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या क्या पॉलिसी लगानी है, देन आई रिक्वायर्ड लास्ट ट्रबल शूटिंग, बिकॉज आज मॉर्निंग में मैं आया सुबह सुबह और क्या हुआ, किसी ने कहा सर राउटर ने धुआं छोड़ दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धुआं छोड़ दिया, मान लो राउटर उड़ गया, तो मैं इस पे 500 कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। अब मैं नेटवर्क अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में जाऊँ, एक राउटर नया लेके आऊँ, इसको हटाऊँ यहाँ से और 500 कॉन्फ़िगरेशन बैठ के पहले करूँ, इट विल टेक टाइम ना, जल्दीबाजी में हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए मुझसे। तो जब भी मैं डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना, तो मैं इनका बैकअप लेके बैठूंगा, क्या करूंगा, बैकअप के लिए हम एक सर्वर यूज करते हैं जिसे कहते हैं TFTP सर्वर, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक सर्वर यूज करते हैं। उस सर्वर पे क्या करते हैं, इन सारे डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेके रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी बॉक्स पे आती है, मुझे कुछ नहीं करना, प्रोडक्शन नेटवर्क्स में नया राउटर लेके आऊंगा और क्या करूंगा, इस राउटर को हटा के विद इन अ 5 मिनट, क्योंकि मैंने बैकअप लेके रखा हुआ है। कंसोल पोर्ट आपको यहाँ सामने दिख रहा है, इनके कंसोल पोर्ट्स कहाँ हैं, तो वो पीछे लगे, क्लियर है मेरी बात। ऑक्टा केबल मुझे दीजिए, आई रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इसे बोलते हैं एक्सेस सर्वर, क्या बोलते हैं, एक्सेस सर्वर, क्लियर है मेरी बात, इतना क्लियर है। सो दैट इज योर रैक इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन हो पूछे, सीरियल पोर्ट को कभी भी राउटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं ना, तो हम सीरियल केबल से करते हैं, बट सीरियल केबल अब ना यूज़ नहीं होता डियर, क्योंकि सीरियल पोर्ट की स्पीड मैक्सिमम होती है 45 Mbps। अगर मुझे इंटरनेट अगे के इंटरनेट अगर मुझे अच्छी स्पीड दे रहा है, तो मैं सीरियल क्यों यूज करूँगा, आई विल कनेक्ट माई राउटर थ्रू इंटरनेट फास्ट गिग पोर्ट से, क्योंकि गिग की स्पीड कितनी होगी, 1 GBPS, इसलिए बेटर ऑप्शन ना, वाई आई एम गोइंग टू यूज सीरियल पोर्ट, ओके, बट पहले हम यूज करते हैं, क्लियर है। कोई क्वेश्चन और पूछो, कैन यू डिस्क्राइब एनी ऑफ द केबल मैनेजमेंट टेक्निक्स, केबल मैनेजमेंट टेक्निक, देखो अब ये जो मैंने केबल रखा हुआ है ना, ये स्ट्रेट केबल्स है, कौन सी है, स्ट्रेट केबल, केबल दो तरह की होती है, स्ट्रेट होता है, क्रॉस होता है, ठीक है ना। अगर मुझे सेम डिवाइस, मतलब मुझे इस केबल को निकाल के सीधे स्विच में लगाना है, यानी स्विच से स्विच में लगाना, तो मुझे क्रॉस ओवर लेना पड़ेगा, अगर मुझे स्विच से राउटर में लगाना है तो स्ट्रेट लेना पड़ेगा, अगर सेम डिवाइस हो तो क्रॉस होगा, और अगर डिफरेंट डिवाइसेस हो तो आई रिक्वायर्ड व्हाट, स्ट्रेट केबल, क्लियर है मेरी बात। स्ट्रेट और क्रॉस बनाते कैसे हैं, ये एक अलग फंडा है, उसकी केबल का मैनेजमेंट होता है, उसकी वायरिंग की मैनेजमेंट होता है, वो अलग चीज़ है, केबल का कलरिंग कैसे करते हैं वो अलग मैच, लेकिन अभी राइट तो बस इतना क्लियर रखो, क्या
कि अगर अगर सेम डिवाइस है तो क्रॉस ओवर और डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट केबल. क्लियर है मेरी बात? ऑप्टिक वेरीज राउटर को स्विच से कैसे? कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको केबल निकालनी है यहां से, इतने केबल और सीधे यहां लगा देंगे. वैसे केबल गई है ना, ये पीछे से होगा, आगे इसमें लगी हुई है. क्लियर है? एक केबल आपने लिया लैंड केबल, एक आपने यहाँ लगाया और एक आपने यहाँ लगाया, दैट्स इट. और किसी भी पोर्ट से अटैच कर सकते हो. क्लियर है? सर एट हाउ मच इंटरवल डू यू नीड अ काइंड ऑफ क्लीनिंग और सम एयर स्प्रेडिंग? देखो ये काम हमारा नहीं है, बट फिजिकल बंदा जो फिजिकली इस बॉक्स को मैनेज कर रहा है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन टेम्परेचर आपके रूम का टेम्परेचर हमेशा 2018 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा वरना बॉक्स फूट जाएगा आपका. हाँ कंटिन्यूस चल रहा है. तो क्लीनिंग के लिए जो पर्सन आपका जो फिजिकली मेंटेन करता है वो हार्डवेयर का बंदा होता है, ठीक है ना? तो वो देखो हमेशा ये डिवाइस क्या होता है 24/7 ऑनलाइन रहते हैं, तो इसका मैनेजमेंट हमेशा डाउन टाइम पे होता है. कब? ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे आप यूज नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल रात को इंटरनेट कभी भी कुछ चेंजेस करना होता है सर्विस प्रोडक्ट को, कब करता है? रात. इसलिए नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब कैसे होती है 24/7 होती है. पैकेज अच्छा होता है लेकिन जॉब की प्रॉब्लम क्या है 24/7 कभी भी उसको आ सकता है. क्लियर है? सैलरी अगर अच्छी है तो प्रॉब्लम भी. क्लियर है? चलो अब बैठो आप लोग. कैन वी व्हाट्सएप दिस काइंड ऑफ राउटर्स? नहीं, व्हाट्सएप देखो क्या है, आप इन डिवाइसेस पे, ये जो नॉर्मल डिवाइसेस है इन पे आप फ्लैश निकाल के लगा ले सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होगी. जो डेटा सेंटर के डिवाइसेस होते हैं ना वहाँ रिक्वायर्ड होता है कि अगर एक फेल हुआ मैंने उसका चेंजेस निकाला और दूसरा बना बनाए कॉन्फिगर चेंजेस लगा दिए. रेडी. डेटा सेंटर्स क्योंकि महंगे होते हैं ना, वहाँ पे पैसे वो लगा सकते हैं हाई इनके डिवाइसेस पे. ये हाई इनके डिवाइसेस नहीं है, दे आर फॉर सर्विस प्रोवाइडर या किसी इंटरप्राइज नेटवर्क को यूज कर सकते हैं. पर डेटा सेंटर तो महंगा आता है. यस, डेटा सेंटर महंगा आता है. नेक्सस, अब क्योंकि नेक्सस का डिवाइस इतना महंगा है उस पर ये सब फैसिलिटीज होती है क्योंकि वहाँ पे डाउन टाइम कम चाहिए. कभी गूगल ने कभी बोला है आपको, आपने कुछ टाइम गूगल में सर परसों दूँ क्या सर? एक्चुअली तो प्रॉब्लम सर, एक घंटे बाद बात करेंगे. कभी कहा गूगल ने? क्योंकि वहाँ फॉल्ट प्रॉब्लम है. क्लियर है? सर कोई न्यूली लॉन्च स्टार्टअप या कंपनी उस पर इतना पैसा नहीं कि सर्वर्स वगैरह में इन्वेस्ट करें, सो व्हाट इज बेटर, कि पहले ही ये हार्डवेयर अप फ्रंट ले लिया जाए या पहले AWS वगैरह से? पहले नहीं नहीं नहीं, देखो AWS एक अलग चीज, ये राउटर्स अलग चीज होती है. आपके बात समझ में? लेकिन आपकी और AWS सर्वर के बीच जो कनेक्टिविटी बनानी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. क्लियर है? बस ये कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट करना है डिवाइसेस. अब इस कनेक्टिविटी के ऊपर आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, AWS, VMware, क्या करते हैं, अप टू यू. ओके, एज अ नेटिव इंजीनियर सिस्को के बंदे को क्या चाहिए? सिर्फ कनेक्टिविटी. ओके चलो बैठो दूसरों को. सर ये 17x से 32 है, ये स्पीड के लिए या फिर सिर्फ ये पोर्ट? ये बस पोर्ट का नंबर है. चल रहा है, ठीक है. सर स्विच हमारा लैंड पे यूज होता है और राउटर हमारा वैन पे यूज होता है. कभी हम राउटर को अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने लैंड को वैन से कनेक्ट करना चाहता हूँ, सो आई रिक्वायर्ड व्हाट? राउटर. फिर से मैं नहीं कर सकता क्योंकि राउटर पे वैन पोर्ट होता है, स्विच पे वैन पोर्ट नहीं होता. क्लियर? गुड क्वेश्चन. चलो सर एक स्टेबल पावर देने के लिए आप क्या हार्डवेयर यूज करते हैं? देखो क्या है, मेरे पास क्या है अभी फिलहाल के लिए, एक दो पोर्ट है, दो बॉक्स है, पावर कार्ड है. मैंने क्या किया, पावर लेके आया, जितना लिमिट है उसका उतना मैं यूज कर रहा हूँ. अदरवाइज अगर मुझे प्रॉपर तरीके से मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता, कोई कंपनी होती है पूरी प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग होती है, वहाँ मुझे हर एक बॉक्स का पावर पहले चेक करना होगा. किस बॉक्स का, हर बॉक्स पे कितनी पावर है मुझे देखना होगा और मुझे फिल्टर्ड करके उतनी ही पावर यहाँ पे देनी होगी. अभी राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, राइट की केबल से यहाँ पे नेक्स्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो पावर है वो ले रहा है यहाँ पे, इसकी बैंड बच सकती है. लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो फिर से बॉक्स लगा लूँगा. ये यूज होता है नहीं होता बॉक्स? ये एग्जैक्टली रैक. यस सर, रैक पूरा आप यही यूज करते हो? मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ. नहीं अभी ये यूज हो रहा है. कौन सा कौन? ये अभी जो आपने यहाँ पे यूज हो रहा है. यस एग्जैक्टली पूरे नेटवर्क में, किसी भी मीडियम साइज के नेटवर्क पे जहाँ पे 200-300 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है ना, वो आपको ये सीरीज मिलेगा. 1841 आपको मिल जाएगा 90% केसेस. 1841 क्या है, पूरा का पूरा प्रोवाइड कर सकता है सर्विस. 200-250 कंप्यूटर के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आपका राउटर. लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर का है तो आपको क्या चाहिए? क्लियर? डिवाइस सारी यूज होते हैं, पॉइंट ये है कि ऑपरेशन कैसा है. ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि सर सिस्को थोड़ा महंगा है, मैं डेल का ले लूँ क्या, मैं जूनिपर का ले लूँ क्या, वो डिपेंड करता है ऑपरेशन पे. लेकिन ऑपरेशन में अगर अच्छा नेटवर्क इंजीनियर है
तो वो हमेशा किसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका डाउन टाइम कम। आप अदर वेंडर का मोबाइल खरीदते हो, क्या बोलते हो, दो दिन बाद हैंग हो रहा है, कभी एप्पल को सुना है? कम्युनिटी सपोर्ट का सिस्टम नहीं, और हैंग डाउन टाइम। आप एप्पल के 3 साल पुराने फोन को आज भी चलाओ, फ्रेश काम कर रहा है, राइट राइट ना। तो सिस्को जस्ट लाइक एप्पल, कि इसका डाउन टाइम हैंग कम होगा, डाउन